तो पिछले दिनों हमने देखा कि यार सबलिमेशन क्या होता है, एवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन, वाष्पीकरण, ये सब चीजें हमने देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि संघनन का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, क्लाउड है, फॉग है, मिस्ट है, हेज है, वॉग है, स्मॉग है, ठीक है, फ्रॉस्ट है, ये सब चीजें हमने देखा, ड्यू है, ठीक है, ये सब चीजें हमने देखा था, ठीक है। मैंने बोला था कि धीरे धीरे अब हम लोग हर चीज कैसे कैसे बनता है वो हर एक चीज को देखेंगे। तो सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लाउड्स कैसे बन रहा है। क्लाउड्स, क्लाउड्स बादल, बादल कैसे बनता है। चलिए सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बादल कोई सॉलिड चीज नहीं है, ठीक है। आपके माइंड में तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सॉलिड चीज नहीं है वो, ठीक है। वो सॉलिड नहीं है सर। क्या लिक्विड है? नहीं सर, लिक्विड भी नहीं है वो। क्या है? गैस है। गैस जैसा कुछ रहता है सर। वो सॉलिड फेज में नहीं होता है, लिक्विड फेज में भी नहीं होता है, गैस के फेज में ही होता है, वेपर वगैरह का फेज में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिमाग में मतलब आ जाना चाहिए कि क्लाउड क्या है सर। क्लाउड एक गैस, गैसियस चीज है सर। बनता कैसे है? तो हमने बहुत बार ही पढ़ा है कि एक पानी का स्रोत है, एक पानी का स्रोत है, ये पानी का स्रोत में जब हीट आता है तो ये वाष्पीकरण से, एवोपोरेशन से जो वाटर वेपर है वो ऊपर उठता है। वाटर वेपर ऊपर उठता है, वाटर वेपर ऊपर उठता है सर गैसेस के फॉर्म में, और गैसेस के फॉर्म में ऊपर उठने के बाद क्या होने लगता है सर? क्लाउड्स बन जाता है, ठीक है सर। गैसेस के फॉर्म में ऊपर उठता है और क्लाउड्स बनने लगता है, ठीक है सर। क्लाउड्स कैसे बनता है सुनिएगा ध्यान से। ये जो गैस है सर, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। ये जो गैस है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। कहाँ सर? ऊपर जाके। जब वेपर ऊपर जाता है तो क्या हो रहा है सर? हाइट बढ़ रहा है। हाइट बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर घट रहा है सर। टेम्परेचर घट रहा है मतलब आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घट रहा है, और जब सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घट रहा है मतलब क्या हो रहा है? वो एयर सेचुरेट होने लग रहा है। तो सर जब एयर सेचुरेट होने लगता है ना, तब वर्षा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले का एक फेज होता है, उस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लाउड्स। सर क्लाउड्स बन कैसे रहा है? क्लाउड्स बन रहा है कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? संघनन। ये संघनन क्या है? हमने देखा था यार कि संघनन का मतलब होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है व्हेन द स्टेट ऑफ अ बॉडी, जब बॉडी का स्टेट आपका गैस से लिक्विड में बदल जाए। संघनन का मतलब क्या होता है? कि आपका जो स्टेट है वो गैस से लिक्विड में बदल रहा है। तो सर क्लाउड्स में लिक्विड कहां से आ गया? तो सुनिएगा ध्यान से सर, ये था आपका पानी, पानी का स्रोत है, ठीक है, पॉन्ड कह लीजिए, नदी कह लीजिए, नाला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। एवोपरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, ठीक है। अब बहुत सारा गैस है यहाँ पे, गैस है सर। ये जो वेपर उठ रहा है वो किसके फॉर्म में उठता है? लिक्विड के फॉर्म में उठता है क्या? नहीं, वाटर वेपर जो रहता है वो भाप रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है। तो ये जब गैस ऊपर उठता है तो ऊपर उठने के बाद क्या होने लगता है ना सर? कि ये गैस से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने लगता है और क्लाउड्स धीरे धीरे बनने लगता है। धीरे धीरे क्लाउड्स बनने लगता है। वो जो ड्रॉपलेट्स होता है ना, वो बल्क बल्क में दिखता है हम लोग को। वो जो ड्रॉपलेट्स ऊपर में बनता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगता है, वो ड्रॉपलेट्स हमको बल्क में दिखता है, बहुत एक ग्रुप में दिखता है, और हम लोग को नीचे से क्या दिखता है सर? वो बादल जैसा, बादल जैसा, बादल जैसा दिखता है। तो कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्लाउड्स बन रहा है सर, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। अब सर क्लाउड्स बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, ठीक है, क्लाउड्स बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है सुनिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला? नीचे से सर वाटर एवोपोरेट हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, पानी ऊपर जा रहा है। पानी ऊपर जा रहा है मतलब गैस, गैस वाटर वेपर के फॉर्म में, मतलब पानी जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है सर? कि एक फेज आ रहा है जहां पे वो गैस से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब गैस से वाटर ड्रॉपलेट, मतलब छोटा छोटा वाटर के बूंद में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन क्या वो बूंद नीचे आ रहा है? नहीं, अभी वो बूंद ऊपर में ही है, अभी वो बूंद ऊपर में ही है बादल के फॉर्म में। मतलब सर क्लाउड्स बनने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट चाहिए, बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट चाहिए। तो सर क्लाउड्स बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, मिलियंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट,
मैंने क्या बोला था, वाटर ड्रॉपलेट, मैंने क्या बोला था अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो, मैंने ये बोला था कि जब ऊपर वाटर वेपर ऊपर उड़ रहा है और जाके क्लाउड्स के फॉर्म ले रहा है, उस बीच में क्या हो रहा है सर, वहां पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहा है, और जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ बहुत ग्रुप में आ जाता है तब नीचे से दिखता है हम लोग को, अरे देखो वहां पे बादल है। और सर कितना वो वाटर ड्रॉपलेट होगा तब बादल बनेगा? सर लाखों में, करोड़ों में, मिलियंस ऑफ आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ वाटर, करोड़ों में सर आपको वाटर ड्रॉपलेट, वाटर का बूंदे दिखेंगी। मतलब सर क्लाउड बनने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए? मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए? मैंने आपको बोला जब वाटर वेपर ऊपर उठता है, वाटर वेपर जब ऊपर उठ रहा है तो उठने के वक्त क्या हो रहा है सर, हाइट बढ़ रहा है। सर हाइट बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, और किसी भी चीज का टेम्परेचर कम होता है मतलब उसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो रहा है, मतलब वाटर वेपर को होल्ड करके रखने का क्षमता कम हो रहा है। और वाटर वेपर को होल्ड करने का क्षमता कम हो रहा है मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो रहा है। मेरे वर्ड्स को, टर्म्स को याद रखिए, मतलब जब भी मैं बोलूँ ना कोई चीज को उसको कनेक्ट कीजिए। सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो रहा है, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होता है तो वो एयर सैचुरेटेड कहलाता है कि अनसैचुरेटेड कहलाता है? आप लोग मुझे बताएंगे। वो एयर सैचुरेटेड कहलाता है कि अनसैचुरेटेड कहलाता है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होता है उस वक्त एयर सैचुरेटेड कहलाता है कि अनसैचुरेटेड कहलाता है? सर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब बादल बनने के लिए, जो बादल बनने के लिए जो कंडीशन क्या है कि हवा को सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसका मैक्सिमम होना चाहिए। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? सुनिएगा ध्यान से, आप देखते हैं ना वर्षा कौन करवाता है? सर वर्षा जो होता है ऊपर से एरोप्लेन जाता है वो करवाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पे बादल होता है सर। तो बादल जो है वो एक बीच का फेज है, बीच का फेज है, पानी इधर से वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, ऊपर में बादल बन रहा है, उसके बाद बादल वर्षा कर रही है। तो बादल जो है, क्लाउड जो है, एक बीच का फेज है इन दोनों के बीच का, ठीक है, वेपर ऊपर जाने का और ऊपर से बारिश आने का, वो बीच का फेज है। मतलब सर जब तक बादल बनेगा नहीं तब तक वर्षा होगी नहीं। और सर बादल कौन बनाएगा? क्या एक अनसैचुरेटेड एयर बादल बना सकता है? नहीं, नहीं बना पाएगा। क्यों? सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या होता है कि अब ये वर्षा करने वाला है, अब वर्षा होगा, पक्का वर्षा होगा। सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या कि उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी सर मैक्सिमम हो गया, 100 हो गया, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी सर अभी कम है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एकदम कम है। तो सर जिस एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, सर वही तो वर्षा कर पाएगा। और वर्षा करने के लिए क्या चाहिए? बादल चाहिए। बादल बन कैसे रहा है? बादल बन कैसे रहा है सर? वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इकट्ठा हो जा रहा है तभी तो बादल बन रहा है। मतलब सर क्लाउड्स बनाने के लिए आपको कैसा एयर चाहिए? सर सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर। आप लोग मुझे बताएंगे, एक टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी वाटर वेपर सैचुरेट हो जाता है, आई एम सॉरी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक एयर, एयर सिस्टम या फिर एयर पार्सल सैचुरेट हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? एक टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे एयर, एक पर्टिकुलर एयर सैचुरेट हो जाता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? सर 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, ठीक है, ड्यू पॉइंट बोलते हैं, ड्यू पॉइंट, ठीक है। अब देखिए सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर मतलब ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सर 100%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। मतलब सर सैचुरेट ये कब हुआ होगा, ये एयर सैचुरेट कब हुआ होगा? आफ्टर रीचिंग ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट ये जब पहुंच चुका होगा, ड्यू पॉइंट पे जब ये, इसका जब ड्यू पॉइंट आ गया होगा, हर चीज कनेक्टेड है। आपको, आपको ड्यू पॉइंट का मतलब ही नहीं पता तो आपको आगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, और अगर आप चुपके से देख के आंसर दे रहे तो भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जब ड्यू पॉइंट अचीव कर जाता है बादल, जब एयर जो है, सॉरी, जब एयर जो है ड्यू पॉइंट अचीव करता है तभी जाके वो सैचुरेट होता है, और जब तक वो सैचुरेट नहीं होगा तब तक सर वो बादल बनेगा ही नहीं। मतलब सर बादल बनने के लिए एयर को
ड्यू पॉइंट तक पहुंचने का जरूरी है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए सर? जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है ना, ये मिनिमम होना चाहिए। ऐसा क्यों? आप ही सोचो कि एयर में अभी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, अभी एयर में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, मतलब वो वाटर वेपर्स को अच्छे से होल्ड करके रख सकता है। सर वो अगर वाटर वेपर्स को अच्छे से होल्ड करके रख सकता है तो वहां पर कंडेंसेशन होगा ही नहीं। एयर बोलेगा कि मेरे पास बहुत जगह है, एयर बोलेगा कि मेरे पास बहुत जगह है, हम वाटर वेपर्स को अपने पास रखेंगे, ड्रॉपलेट्स, वाटर का ड्रॉपलेट्स बन ही नहीं पाएगा सर, कंडेंसेशन का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। क्यों? कंडेंसेशन का प्रोसेस कब होता है सर? जब कैपेसिटी एयर का कम हो गया, एयर बोला कि अब मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, आई कैन नॉट होल्ड दी वाटर वेपर्स एनी मोर, तो वाटर वेपर क्या बोलता है कि भैया एयर तो धोखा दे दिया मेरे को कि अब वो मेरे को होल्ड करके नहीं रख सकता, वो हमको पकड़ के नहीं रख सकता। तो अब ऊपर में क्या करें हम? तो एयर बोलता है कि अब हम तुमको छोड़ दिए। एयर जो उसको छोड़ देता है, मतलब ऊपर में वाटर ड्रॉपलेट्स को एयर बोला कि अब हमसे होल्ड नहीं कर पाएगा, अब तुमको जाओ जहां जाना है। सर जब तक एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम नहीं होगा, ऊपर में रेन ड्रॉपलेट्स बनेगा कैसे? नहीं बनेगा। वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगा कैसे? और सर वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के लिए भी क्या चाहिए सर? गैस से आपको लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। मतलब सर जब तक ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आपका मिनिमम नहीं होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। समझ में आया? इसीलिए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी सर मिनिमम होना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से कि क्लाउड्स बनने के लिए एक अनसैचुरेटेड एयर चाहिए, ट्रू या फॉल्स? क्लाउड्स बनने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम फॉल्स लगा देंगे आंसर। वेरी गुड। ठीक है, चलिए। अब सर क्लाउड्स, अगर तो आपसे पूछा जाए कि क्लाउड्स जो है वो सबलिमेशन से बनता है, ट्रू या फॉल्स? क्लाउड्स जो है ये सबलिमेशन से बनता है, ट्रू या फॉल्स? सर झूठ है सर, बहुत, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लाउड्स जो है वो कंडेंसेशन से बनता है, संघनन से बनता है। ठीक है, आप देखिए ना, संघनन, संघनन, जब संघ का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप। जब वाटर का ग्रुप इकट्ठा होगा, मिलियंस ऑफ वाटर का ड्रॉपलेट इकट्ठा होगा, तो क्या बनता है? क्लाउड्स बनता है। तो सर क्लाउड्स क्यों बन रहा है? संघनन, संघनन इकट्ठा होने के साथ। तो कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा होगा? संघनन यूज हो रहा है, कंडेंसेशन यूज हो रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि सर कंडीशन क्या क्या है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर कंडेंसेशन? कंडेंसेशन कब होगा? कंडेंसेशन कब होगा? तो सबसे पहले तो सर कंडेंसेशन के लिए टेम्परेचर बहुत कम चाहिए आपको, टेम्परेचर मिनिमम चाहिए। ऐसा क्यों? बहुत कम, लेस टेम्परेचर चाहिए, ऐसा क्यों? अच्छा, कभी आपने देखा है कि एक बॉटल है जिसमें गर्म पानी है, एक बॉटल है जिसमें गर्म पानी है, उसके अगल बगल में कभी वाटर ड्रॉपलेट्स आता है क्या? उसके अगल बगल में कभी पानी इकट्ठा हो जाता है क्या? एक गर्म बोतल में पानी रखें आप, नहीं होता होगा। क्यों? सर क्योंकि पानी अभी गर्म है, पानी गर्म है मतलब उसके अगल बगल का एयर भी अभी गर्म है, उसके अगल बगल का एयर गर्म है मतलब सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अभी है उसमें, क्योंकि गर्म चीज जितना ज्यादा गर्म उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, मतलब उस बॉटल के अगल बगल का जो एयर है उसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो जो भी वाटर वेपर रहेगा वो क्या बोलेगा कि अरे एयर में तो इतना जगह है, हम एयर में ही समा जाते हैं, एयर के पास अच्छा खासा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, तो वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखेगा, वो नहीं ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बनने नहीं देगा। लेकिन सर बॉटल देखते हैं हम लोग ठंडा वाला, ठंडा पानी है इसके अंदर, है कोल्ड वाटर, तब क्या होता है सर? ये बॉटल जो है ये ठंडा है, मतलब टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम है। और सर जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम है मतलब जो एयर है उसके पास अब कैपेसिटी नहीं है कि वो वाटर वेपर्स को होल्ड करके रख सके, तो वो क्या बोलता है कि मेरे से अब ना हो पाएगा, अब वाटर वेपर तुमको जो करना है करो सर, वो वाटर वेपर जाके इधर इधर इकट्ठा हो जाता है, वो इधर इधर आके बैठ जाता है। मतलब सर कंडेंसेशन ये भी प्रोसेस क्या हो रहा है सर? इस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है? वाटर वेपर से, मतलब वाटर वेपर से लिक्विड बन रहा है,
और सर वाटर वेपर क्या सॉलिड के फॉर्म में होता है? नहीं, गैस के फॉर्म में, मतलब गैस से डायरेक्ट लिक्विड बन रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। मतलब बोतल जो होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए सर, इसीलिए कंडेंसेशन। क्लाउड्स में भी जो हो रहा है सर, वहां पे कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस के लिए भी क्या चाहिए? टेम्परेचर आपको कम चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज सर, हमने देखा कि यहाँ पे आप बॉटल से याद करके, क्योंकि हम लोग देखो क्लाउड्स हम लोग ऊपर जाके देख नहीं ना पाएंगे कि क्लाउड्स कैसे बन रहा है। हम लोग क्या देख सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं कि बॉटल जो हम लोग फ्रिज से पानी निकालते हैं, ठंडा पानी, उसके अगल बगल में जो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाता है वो क्यों हो रहा है, वो अगर समझ लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि आसमान में कैसे हो पा रहा है। मतलब सर मैंने एक चीज यहाँ पे भी बोला कि जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाएगा। मतलब सर कंडेंसेशन के लिए, संघनन के लिए क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम चाहिए, या फिर बोल दीजिए मिनिमम चाहिए, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें भी। सर जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अगर मिनिमम होगा तो आरएच मैक्सिमम होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होगा। सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होने लगता है, इसीलिए क्या हो रहा है सर? वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहा है। मतलब सर कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, मतलब मैक्सिमम चाहिए। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया आप सभी को? सर जिस एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो गया वो एयर क्या हो गया? सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर। सर जो एयर सैचुरेटेड हो गया है मतलब वो अचीव कर लिया है क्या? अपने ड्यू पॉइंट को। देखो ना हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, अपने ड्यू पॉइंट को वो अचीव कर लिया है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, उसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्यों होना चाहिए? आप ही समझो ना यार, कोई भी एयर वाटर ड्रॉपलेट मैक्सिमम मात्रा में कब बना पाएगा? जब उसमें सच में एक्चुअल अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी होगा। सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ये मेरा एक एयर बबल है, इस एयर बबल के अंदर ये जो पूरा दिख रहा है, ये एयर बबल का कैपेसिटी दिखा रहा है, ये जो पूरा दिखा रहा है ये एयर बबल का कैपेसिटी है, कि एयर बबल का कैपेसिटी इतना है। मतलब ये क्या है सर? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। लेकिन असलियत में कितना ह्यूमिडिटी है इसके अंदर? इतना ही है। मतलब ये किस चीज को दर्शा रहा है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को दर्शा रहा है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब मैंने क्या बताया था? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। आप ही समझिए ना कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी सर एयर का इतना है पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इतना ही है, तो सर क्या हो जाएगा? सर वाटर वेपर जो एयर में है वो कम मात्रा में है, तो क्या होगा सर? रेन का ड्रॉपलेट्स भी छोटा बनेगा, या फिर रेन का ड्रॉपलेट्स बनने में भी टाइम लगेगा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि एयर का एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो यही एयर जब ऊपर उठेगा तो एक वक्त आएगा जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाएगा और आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगा। तो सर जितना ज्यादा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगा उतना ही बड़ा बड़ा रेन का ड्रॉपलेट इकट्ठा होगा, और जितना बड़ा बड़ा रेन का ड्रॉपलेट इकट्ठा होगा उतना इजिली रेनफॉल हो पाएगा। इसीलिए सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का भी प्रेजेंस होना जरूरी है। आज समझ में आया कि कैसे बादल बनेगा? बादल बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? समझ में आया सभी को? सर अभी भी बादल नहीं बनेगा, पता है आप लोग को? अभी भी बादल नहीं बनेगा, एक और चीज चाहिए बादल बनने के लिए। क्या चीज चाहिए बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्या चीज चाहिए? अभी भी बादल नहीं बनेगा। ये क्या है? एक ग्लास है, इसमें मैंने फ्रिज का पानी रखा है, इसमें मैंने फ्रिज का पानी रखा है, मतलब ठंडा पानी है सर, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर है, ठीक है। आप लोग क्या देखते हैं कि ये जो ग्लास है इसके अंदर ठंडा पानी है,
क्या होता है ना, हम लोग जब इस ठंडे पानी को टेबल के ऊपर रखते हैं तो हम लोग को ग्लास के बाहर में वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखता है, हम लोग को ना उससे 5 मीटर दूर, 5 मीटर दूर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है। हमें कहाँ पे दिखता है सर? हमें कहाँ पे दिखता है? इस ग्लास के ऊपर ही दिखता है, इस ग्लास के ऊपर ही दिखता है। ग्लास के चारों ओर आपको पानी का ड्रॉपलेट्स दिखते रखेगा सर। कभी कभी नीचे, मतलब यही ड्रॉपलेट्स नीचे गिर के पूरा टेबल के ऊपर भी फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? ग्लास के बाउंड्री पे ही क्यों इकट्ठा होता है? ग्लास के अंदर इकट्ठा हो, ग्लास से 5 मीटर दूर इकट्ठा हो, ग्लास के बॉडी पे ही, बाउंड्री पे ही क्यों इकट्ठा होगा? तो सुनिएगा ध्यान से, जब भी वाटर ड्रॉपलेट्स बनता है तो उसको बनने के लिए एक न्यूक्लियस चाहिए। अब ये क्या बोल दिया आपने, सुनिएगा ध्यान से सर, ये है आपका एयर, एयर है, एयर के अंदर ये ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर है। अब ये वाटर वेपर किसके फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर जैसे ही ये लिक्विड बनना चाहेगा ना, इसको क्या चाहिएगा, इसको क्या चाहेगा, इसको चाहेगा, बोलेगा एक हमको सिस्टम दो, एक हमको ऐसा जगह दो जहां पे हम जाके इकट्ठा हों। मतलब सर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनता हुआ दिख रहा है। क्यों बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जो भी एयर में वाटर वेपर था ना, एयर में जो भी वाटर वेपर था वो इस बाउंड्री के कांटेक्ट में आ जा रहा है और इसको बोल रहा है कि ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के बगल में ही हम इकट्ठा होके वाटर ड्रॉपलेट्स बना सकते हैं। मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने के लिए एक सपोर्ट का जरूरत है, इसको एक सपोर्ट का जरूरत है। उसी सपोर्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब सर बादल जब बनता होगा ऊपर में, बादल जो ऊपर में बन रहा है उस बादल को बनने के लिए भी एक न्यूक्लियस का जरूरत है, किसी के ऊपर ही ना वो इकट्ठा होगा। आप फॉर एग्जाम्पल आप लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो जब चाय बना रहे हैं तो पानी डाले, सबसे पहले पानी डाला, उसके बाद गैस को ऑन किया, गैस को ऑन किया, पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो रहा है तो जो भी भाप है वो ऊपर उठने लग रहा है, ठीक है, ऊपर उठ रहा है भाप, ऊपर उठ रहा है। लेकिन जैसे ही ऊपर से हम लोग एक थाली रख देते हैं, वो जो भी बर्तन पे चाय बना रहे हैं उसके ऊपर अगर थाली रख देते हैं, तो सर भाप ऊपर उठना बंद हो जाता है। क्या होता है, वो थाली को जब आप हटाइएगा तो उस थाली के नीचे आपको बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट दिखेगा। ऐसा क्यों सर? पहले जब वो थाली नहीं लगाए थे तब तो वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रहा था, अब क्यों दिख रहा है? अब इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो भाप ऊपर उठ रहा था ना, उस भाप के बीच में, उस भाप को एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया, उस थाली के नीचे आपको भाप को सपोर्ट मिल गया, और वो जो थाली था ना एक न्यूक्लियस जैसा बिहेव करने लगा। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो था, जो भाप बन के ऊपर उठ रहा था, वो भाप अब उस थाली के नीचे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो जो थाली है ना, वो एक सपोर्ट जैसा, सपोर्ट प्रोवाइड करने लगा उन भाप के लिए, ताकि वो वाटर ड्रॉपलेट्स बना पाए। मतलब सर वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने के लिए देर वी शुड हैव, वी मस्ट हैव एंड वी मस्ट हैव अ न्यूक्लियर, न्यूक्लियस। हम लोग को एक न्यूक्लियाई चाहिए, एक चीज चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए जहां पे वाटर ड्रॉपलेट जाके इकट्ठा हो। सर यहाँ पे तो चलिए ग्लास है, हम लोग जब चाय बना रहे तो ऊपर से बर्तन ढक दे रहे हैं। क्लाउड में ऐसा कौन सा सिस्टम मिलेगा? क्लाउड में तो कोई सॉलिड चीज है भी नहीं जिसपे इकट्ठा होके वाटर ड्रॉपलेट जाके इकट्ठा हो, ऐसा तो कोई चीज भी नहीं है। क्लाउड्स कैसे बनता होगा सर? वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे बनता होगा? कोई सिस्टम चाहिए ना, कोई एक जगह चाहिए ना जहां पे वो जाके इकट्ठा होगा, कोई सॉलिड चीज चाहिए होगा। पता है कैसे होता है? सबसे पहले तो वो जो चीज, वो जो सिस्टम, वो जो न्यूक्लियस जो चाहिए क्लाउड बनाने के लिए, क्लाउड बनाने के लिए सर एक न्यूक्लियस चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो सके। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। अब ये क्या है सर?
सिंपल सा चीज वही, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए जहां पे वो जाके इकट्ठा हो सके सर। अब देखिए ना, अगर पानी का बॉटल उसको नहीं मिलता, उसका पानी का बॉटल का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री उसको नहीं मिलता ना, तो वो इकट्ठा नहीं हो पाता, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो था किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में था, वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसको एक न्यूक्लियाई मिला, एक सपोर्ट मिला, जहां के जहां पे जाके वो चिपक के, जहां पे चिपक के वो क्या बना सकता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बना सकता है। ठीक है, अब सर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई मतलब एक बेस चाहिए सर, एक बेस चाहिए जिसके ऊपर वो इकट्ठा हो सके। अब आसमान में बेस क्या होगा, आसमान में कैसा न्यूक्लियस होगा? तो सर जो आसमान में ना, स्काई में बहुत सारा सॉल्ट होता है, बहुत सारा सॉल्ट सर, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स होता है, डस्ट पार्टिकल बहुत सारा होता है, जो धूल कण वगैरह ऊपर जा रहा है ना वो सब होता है। बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स होता है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन के कारण बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स ऊपर चल जाता है, बहुत धुआं वहां सर ऊपर चल जाता है। ठीक है, इसके अलावा सर बहुत सारा और भी अन्य चीजें होता है जो कि बेस वाटर का बेस के लिए बिहेव करने लगता है। मतलब ऊपर में वाटर वेपर ऐसे पहुंचा, अब ये वाटर वेपर बोल रहा है कि मेरे को वाटर ड्रॉपलेट बनना है। वाटर ड्रॉपलेट कैसे बनेगा सर? इसको बेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक डस्ट पार्टिकल, एक धूल कण ऊपर में सर, आसमान में धूल कण बहुत है, एक धूल कण मिला, इस धूल कण के ऊपर ऐसे ऐसे वाटर एक्यूमुलेट होने लगेगा, ऐसे ऐसे वाटर एक्यूमुलेट होने लगेगा, ऐसे ऐसे वाटर इकट्ठा होने लगेगा, और जब सर बहुत भारी हो जाएगा तब बोलेगा कि हमसे ना हो पा रहा है अब नीचे चलो, हमसे ना हो पा रहा है अब नीचे चलो। और हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? रेनफॉल। बोलिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई क्या होता है ये समझ में आया आप लोगों को? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है ये समझ में आया? मतलब सर क्लाउड्स बनने के लिए एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का भी बहुत जरूरत है, एक बेस का भी जरूरत है जहां पे पानी जाके इकट्ठा हो, पानी जाके इकट्ठा होगा और ड्रॉपलेट्स बनेगा, वाटर का ड्रॉपलेट बनेगा, वाटर का बूंदे बनेंगी। बोलिए समझ में आया हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है? ठीक है, मतलब आप भी सोचो ना, अब आप पूछोगे कि ये सॉल्ट कैसे ऊपर जा रहा है, सॉल्ट ये जो सॉल्ट वगैरह कैसे ऊपर जा रहा है? तो यार देखो, ये एक पानी का स्रोत है, यही पानी भाप बन के ऊपर उठ रहा है, यही पानी भाप बन के ऊपर उठ रहा है। तो ये जो पानी है ये क्या बहुत प्योर है? इसमें कोई सॉल्ट वगैरह नहीं है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है? बिल्कुल है। तो यही इम्प्योरिटी उस भाप के साथ, जो एवोपोरेशन के साथ जो वाटर वेपर ऊपर जाता है ना, उसी के साथ ये इम्प्योरिटीज भी, ये सॉल्ट भी ऊपर पहुंच जाता है, और वही सॉल्ट बाद में बिहेव करने लगता है एज हाइग्रोस्कोपिक निकलाई, जिसके ऊपर वाटर ऐसे ऐसे करके एक्यूमुलेट हो जाता है, ऐसे ऐसे करके एक्यूमुलेट होता है और एक रेन ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेता है। और जब ये रेन ड्रॉपलेट बहुत भारी हो जाता है तब बोलता है कि मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, फिर वर्षा होने लगती है। ठीक है, समझ में आया सभी को? मतलब पानी, वर्षा होने के लिए क्लाउड्स का होना जरूरी है सर, और क्लाउड्स होने के लिए आपको बहुत सारा चीज मैंने बता दिया कि एयर सैचुरेटेड होना चाहिए सर। एयर सैचुरेटेड होगा मतलब एयर का सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम होना चाहिए सर, जो एयर है वो ड्यू पॉइंट को अचीव कर लेना चाहिए। उसके अलावा क्या, जो एयर होना चाहिए वो आप जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होना चाहिए उसका वो भी होना चाहिए। इसके अलावा सर हाइग्रोस्कोपिक निकला है, मतलब अगर ये सब कुछ है, अगर ये सब कुछ है ना, अगर ये सब कुछ है ना, अगर एयर में ये सब कुछ है लेकिन फिर भी क्लाउड्स नहीं बन पाएगा। क्यों? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर रहे हैं, उस चीज का नाम क्या है? हाइग्रोस्कोपिक निकला है। समझ में आया सभी को? एक ऐसा चीज जो आप बहुत मिस कर रहे हैं वो है हाइग्रोस्कोपिक निकला, क्योंकि जब तक बेस नहीं मिलेगा उसको सर, वाटर रेन ड्रॉपलेट्स बनेगा कैसे, रेन का ड्रॉपलेट बनेगा कैसे, रेन का बूंद बनेगा कैसे, जब तक उसको एक बेस नहीं मिलेगा, वो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सब चीजें अवेलेबल होने के बावजूद भी एक चीज हमें चाहिए जिसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक निकला है। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? सुनिएगा ध्यान से।
सुनिएगा ध्यान से, अनम्यूट कीजिए, माइक को म्यूट कीजिए। कभी कभी देखा गया है ना, ऐसे ऐसा देखा गया है कभी कभी कि एयर में ये हर चीज अवेलेबल है। मतलब सर, एयर सर सैचुरेटेड भी है, एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो मैक्सिमम है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम है, सर ड्यू पॉइंट को अचीव कर लिया है, सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, फिर भी वो एयर जो है वो क्लाउड नहीं बना पा रहे हैं। क्यों सर, क्या मिसिंग है, कोई बताएगा मुझे क्या मिसिंग है, क्यों नहीं क्लाउड बना पा रहा है, क्या मिसिंग है? क्या बोला मैंने कि एक एयर है जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, जिसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी मिनिमम हो गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी मैक्सिमम हो गया है, वो एयर सैचुरेट भी हो गया है, वो ड्यू पॉइंट भी अचीव कर लिया है, उसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी हो गया है सर, वो हर एक कंडीशन को फुलफिल कर लिया, क्लाउड्स बनने का हर एक कंडीशन को फुलफिल कर लिया, फिर भी वो क्लाउड्स नहीं बन पा रहा है। क्यों क्यों नहीं बन पा रहा है सर? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं है, वहां पे जो बेस चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट नहीं है उसके लिए, वो वाटर ड्रॉपलेट कैसे बनाएगा? ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यार एक सैचुरेटेड एयर है, ठीक है, वो ड्यू पॉइंट को अचीव कर चुका है, ऑब्वियस सी बात है, इफ एयर इज सैचुरेटेड दैट मींस दैट द एयर हैड अचीव्ड ड्यू पॉइंट, इट्स ड्यू पॉइंट, ओके। तो एक एयर है जो कि सैचुरेटेड है, वो एयर क्लाउड नहीं बना पा रहा है, तो रीजन क्या है? ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन में से आपको क्या चूज करना है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कि एब्सेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई वो नहीं बना पा रहा है। समझ में आया सभी को? सर सुनिएगा ध्यान से, एक ऐसा एयर जो कि सैचुरेटेड है, मतलब सैचुरेटेड का मतलब आप लोग डायरेक्ट समझ लीजिएगा कि सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आपका मिनिमम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम है, ड्यू पॉइंट को अचीव कर लिया है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी है, सर ऐसा एयर जो कि सैचुरेटेड है और हर एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्लाउड्स बनाने का, लेकिन फिर भी क्लाउड्स नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे है लैक ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या फिर एब्सेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, मतलब एक ऐसा एयर जो कि ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, उसमें हर एक चीज है, हर एक कंडीशन को उसने फुलफिल किया क्लाउड्स बनाने का, लेकिन वो फिर भी क्लाउड्स नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वहां पे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया ही नहीं है, वहां पे कोई बेस ही नहीं है, वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है जहां पे वाटर जाके ड्रॉपलेट्स बना पाए। वैसे एयर को बोलते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड एयर। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड एयर, मतलब सर सुपर सैचुरेटेड एयर का मतलब एक एयर, ऐसा एयर जो कि सैचुरेट हो चुका है, जो चाहता है वर्षा करने का, जो चाहता है कि हम रेनफॉल करें, लेकिन सर रेनफॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्लाउड्स बनाना पड़ता है, लेकिन सर वो क्लाउड्स बना ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया ही नहीं है, वहां पे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का एब्सेंस है, वहां पे कोई बेस ही नहीं है, वहां पे कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो वो कैसे ड्रॉपलेट बना पाएगा? वैसे एयर को क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर सैचुरेटेड एयर। समझ में आया सभी को? सुपर सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या है? मतलब आप ही लोग मुझे बताओ, अगर सुपर सैचुरेटेड एयर को अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिल गया तो क्या वर्षा हो पाएगा? अगर सुपर सैचुरेटेड एयर को अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई दे दिया जाए, क्योंकि वो उसी पे लैक कर रहा था, तो क्या वर्षा हो पाएगा? आप लोग कॉमन सेंस से बताइए, कॉमन सेंस से। जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर किसी को भूख लगा है, अगर मैं उसको खाना दे दूं तो क्या उसका पेट भर जाएगा, उसका भूख खत्म हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड एयर को वर्षा करना है, लेकिन वो वर्षा क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं है सर एयर में, दैट्स वाई वो एक बेस नहीं मिल पा रहा है जहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा कर पाए, एक्यूमुलेट हो पाए वाटर ड्रॉपलेट्स,
इसीलिए वर्षा नहीं हो पा रही है, रेनफॉल नहीं हो पा रहा है। अगर उस सुपर सैचुरेटेड एयर को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई दे दें तो क्या हो जाएगा? सर, जो एयर है वो सुपर सैचुरेटेड से अब चेंज हो जाएगा। क्यों? वो बनाने लगेगा क्लाउड्स, और क्लाउड्स के बाद क्या कर देगा? रेनफॉल कर देगा। मतलब क्या ये पॉसिबल है कि सुपर सैचुरेटेड एयर को हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई देना? जी पॉसिबल है। सिल्वर आयोडाइड का नाम सुना है आपने? सिल्वर, Ag, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड जो है, सिल्वर आयोडाइड का हम लोग छिड़काव करते हैं। हम आप लोगों ने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से ऊपर उठ के क्लाउड्स के ऊपर सिल्वर आयोडाइड, एक केमिकल होता है, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है ताकि जो सुपर सैचुरेटेड एयर है उसको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई मिले और वो वाटर ड्रॉपलेट्स को एक्यूमुलेट कर पाए और रेनफॉल हो पाए। सर, ऐसे ही रेनफॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल रेनफॉल। आर्टिफिशियल रेनफॉल, ये रेनफॉल क्या नेचुरली हुआ? नहीं, नेचुरली नहीं हुआ। हम लोग बादल के पास गए, बादल के ऊपर हमने छिड़काव किया, हमने उस एयर के ऊपर छिड़काव किया कि ये लो सिल्वर आयोडाइड, और सिल्वर आयोडाइड कौन कर देगा? सिल्वर आयोडाइड ये है, और सिल्वर आयोडाइड के ऊपर तुम एक्यूमुलेट हो जाए, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाओ और वर्षा कर दो। ऐसे ही सर आपने देखा होगा बहुत जगह पे, बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्री है वो लोग आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाते हैं। वो लोग बात, वहाँ का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो बात करता है कि हाँ हम लोग को वर्षा करवाना है, वर्षा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लोग केमिकल उमिकल डाल के वर्षा करवाएंगे। क्यों, कैसे करवाते हैं? ऐसे करवा रहे हैं। समझ में आया कि कैसे आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है, कैसे सुपर सैचुरेटेड एयर को कन्वर्ट करें। और सर, सुपर सैचुरेटेड एयर जो होता है ना, आप याद रखिएगा, सुपर सैचुरेटेड एयर मतलब इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है ना, ये 100 से भी ज्यादा होता है, ये 100 से भी ज्यादा होता है। मतलब पूरा अकबकाइल रहता है कि कब हमको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिले और कब हम बारिश करें। जैसे आप 4 दिन खाना ना खाएं तो आप जितना भी पैतरा करने वाले इंसान होंगे ना कि हमको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन 4 दिन बाद अगर आप भूखे रहेंगे तो फिर भी वो खाना खा लेंगे। क्यों? क्योंकि अब बकायल रहेंगे आप पूरा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर सैचुरेटेड एयर एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेनफॉल, ठीक है। चलिए, यहां तक आई होप समझ में आया होगा। अब ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ, और ये है हमारा 0°C, 0° लैटिट्यूड। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउथ। ये है आपका 0° मतलब इक्वेटर, दिस इज आवर इक्वेटर। अच्छा, आप लोग मुझे बता पाएंगे कि वर्षा ज्यादा कहाँ होता है? कॉमन सेंस से इक्वेटर पे ज्यादा वर्षा होता है, कैंसर पे ज्यादा वर्षा होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब ट्रॉपिक्स पे ज्यादा वर्षा होता है कि इक्वेटर पे? सर, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे ज्यादा वर्षा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वहां पे एवोपोरेशन ज्यादा होता है, वहां पे वाटर वेपर्स ज्यादा मात्रा में सर ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, सूर्य की किरणें एकदम डायरेक्ट ओवरहेड गिरती हैं, मैक्सिमम सर ऑलमोस्ट ओवरहेड गिरती है पूरे साल, ऑलमोस्ट, ठीक है, 2 बार तो ओवरहेड गिरती है पर ऑलमोस्ट बहुत गर्मी रहता है सर, इसीलिए वाष्पीकरण ज्यादा होता है। और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है मतलब एवोपोरेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब क्लाउड्स को ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर मिल रहा है, और वाटर वेपर ज्यादा होने से सर ज्यादा रेनफॉल होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या बोला था सर, वाटर वेपर को रेन का ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए। और मैंने क्या एग्जांपल दिया था हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का, कि सर हवा में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होता है सर, बहुत सारा पॉल्यूटेंट होता है। पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है कि वैसा सब्सटेंस जो पॉल्यूशन कर रहा है। अब सोचिए, हवा में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, हवा में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट है, हवा में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल है, हवा में बहुत ज्यादा सॉल्ट है, ठीक है, तो क्या होगा सर?
वाटर ड्रॉपलेट्स इजली बनेगा, इजली बन जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स को, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक बेस तो मिल, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस तो उसको मिल गया, एक बेस तो मिल गया, एक सपोर्ट तो मिल गया। मतलब इक्वेटर के पास जब भी वर्षा होगा, मतलब कहीं भी छोड़ो, इक्वेटर छोड़ो सर, ये है रेनफॉल का कंडीशन। यहाँ पे बहुत सारा देखिए, बहुत सारा यहाँ पे आपको, चलो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारा आपको ये है सर, बहुत सारा पॉल्यूटेंट हवा में ना, ये बहुत सारा पॉल्यूटेंट है, बहुत सारा पॉल्यूटेंट है। तो इस पॉल्यूटेंट में क्या होगा सर, इस पॉल्यूटेंट में क्या होगा, वाटर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, वाटर जाके ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाता है, वाटर जाके ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाता है। एक बेस मिल गया सर, क्लाउड्स को एक बेस मिल गया, एक वाटर वेपर जो था उसको एक बेस मिल गया क्लाउड बनाने के लिए, ठीक है। मतलब ये जितने भी डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये बिहेव करने लगेंगे एज अ बेस, एज अ सपोर्ट, एज अ हाइग्रोस्कोपिक निकलाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अब सर ये क्लाउड बन गया, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ये क्लाउड ही बोलता है कि मेरे से ना हो पाएगा, अब मेरे को छोड़ दो, तो यही पानी का ड्रॉपलेट नीचे आने लगता है, क्या होने लगता है, वर्षा होने लगता है। सर आप ही मुझे बताएं ना, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये किसके मदद से बना है, इसका न्यूक्लियस, देखिए ना न्यूक्लियस इसको क्यों बोल रहे हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं, कि देखिए ना सेंटर पे इसी न्यूक्लियस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हुआ है। तो सर ये जब रेनफॉल करेगा, ये जब क्लाउड रेनफॉल होगा यहाँ पे, तो यही सब वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आएगा, यही सब वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आएगा। तो सर वाटर ड्रॉपलेट्स जब नीचे आ रहा है, तो क्या पानी ही साथ में आएगा, वो जो डस्ट पार्टिकल था, वो जो सॉल्ट था, वो जो पॉल्यूटेंट था, जिसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट बना था, जिसको सपोर्ट मान के वाटर ड्रॉपलेट बना था, क्या वो भी साथ साथ नीचे नहीं आएगा, सर वो भी तो साथ साथ नीचे आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, ये है वर्षा, ये है पानी का रेनफॉल का ड्रॉपलेट, और सर इसके अंदर आपको डस्ट पार्टिकल भी दिखेगा, इसके अंदर आपको डस्ट पार्टिकल भी मिलेगा। तो सर यही डस्ट पार्टिकल और यही ड्रॉपलेट जमीन को टकराता है और आपको क्या दिखता है, रेनफॉल का बूंद। मतलब ऊपर से पॉल्यूटेंट भी नीचे आ रहा है, ऊपर से डस्ट भी नीचे आ रहा है, ऊपर से सॉल्ट भी नीचे आ रहा है, जितना भी एयर में सॉल्ट वगैरह है वो सब कुछ नीचे आ रहा है सर, जितने भी पॉल्यूटेंट्स है वो सब कुछ नीचे आ रहा है, किसके मदद से, सर रेनफॉल की मदद से। सर ऐसा कहीं सुना है हमने, कभी सुना है आपने एसिड रेन, एसिड रेन, सर एसिड रेन क्यों होता है, सर जितने भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह है ना वो नीचे आ जाते हैं वर्षा के साथ। सर कैसे नीचे आ रहे हैं, ऐसे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि वही पॉल्यूटेंट्स हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई थे, वही पॉल्यूटेंट्स जो थे वो बेस सिस्टम, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हेल्प किए थे वहां पे रेन ड्रॉपलेट्स को बनने के लिए। इसीलिए जब रेनफॉल होता है तो वो जो बेस था, वो जो सपोर्ट था, जिस सपोर्ट पे वो ड्रॉपलेट बना, वो उसको नीचे ले आता है। मतलब आप ही सोचिए, पहले इतना ज्यादा पॉल्यूशन था एयर में, एयर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन था, लेकिन जैसे ही रेनफॉल हो जाएगा, ये जितना भी वाटर ड्रॉपलेट ऊपर में था, ये सब वाटर ड्रॉपलेट अब जमीन पे गिर गया, और साथ साथ जितना भी पॉल्यूटेंट था वो भी जमीन पे आ गया। तो एयर आपका साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एयर में क्या आपको पॉल्यूटेंट फील होगा, बोलिए एयर में क्या आपको पॉल्यूटेंट गंदगी दिखेगा, एयर में क्या डस्ट पार्टिकल दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि सर वर्षा के साथ सब कोई नीचे आ गया, वर्षा के साथ सब कोई नीचे आ गया। मतलब सर रेनफॉल क्या करता है, हमारे एयर को भी साफ, एयर को भी साफ करता है। मतलब सर जिस जगह में रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, उस जगह में पॉल्यूशन कम होगा, उस जगह में एयर का पॉल्यूशन कम होगा। एयर का पॉल्यूशन क्यों कम होगा सर, इसलिए कम होगा क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी तो साथ साथ रेनफॉल के नीचे आ गए। अब एयर तो वो जो पॉल्यूटेंट्स थे अभी ऊपर में, वो सब नीचे आ गए, मतलब एयर अब क्या हो गया, साफ हो गया। एयर में अब कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं है, एयर में कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, एयर में कोई सॉल्ट्स नहीं है, तो एयर आपका साफ हो गया। सर आप लोग थोड़ा देर पहले मुझे बता रहे थे रेनफॉल कहाँ ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कि कैंसर पे या फिर ट्रॉपिक्स, किसी भी ट्रॉपिक पे, सर इक्वेटर पे। सर इक्वेटर पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, मतलब यहाँ का जितना भी पॉल्यूटेंट्स है वो ऊपर से नीचे आ जा रहा है बार बार, बहुत जल्दी जल्दी नीचे आ जा रहा है, तो वहां का एयर आपको ज्यादा पॉल्यूशन वाला दिखेगा क्या, नहीं।
वहां पे पॉल्यूशन फ्री दिखेगा आपको, वहां पे पॉल्यूशन फील नहीं होगा आपको। मतलब ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ड्यू टू हाई रेनफॉल एंड ड्यू टू वेरी फ्रीक्वेंट रेनफॉल, आपको यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री एयर मिलेगा। कहाँ पे? इक्वेटर में। समझ में आया आप सभी को? आप सभी को समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर वहां पे डेली रेनफॉल हो रहा है, ऑलमोस्ट डेली रेनफॉल हो रहा है, फ्रीक्वेंट रेनफॉल। आप इक्वेटर में जाइएगा ना, इक्वेटर पे पता है कैसा कैसा मौसम रहता है? आप देखिएगा कभी इक्वेटर पे मौसम, जब आप सुबह सुबह उठिएगा, उठ के ब्रश व्रश कीजिएगा, बड़ी गर्मी देगा, बहुत गर्मी देगा, बहुत हैवी टाइप से। मतलब नहीं, सुबह सुबह थोड़ा ठंडा ठंडा, मतलब अगर आप भोर में उठते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप 4-5 बजे उठ रहा है, आपको बहुत ठंडा ठंडा फील होगा। फिर जैसे जैसे आप सुबह में उठे, थोड़ा वॉक वॉक किए, 6 बज गया, 6 बजने के बाद आप ब्रश व्रश किए, ब्रश नाश्ता करते करते आपको 8-9 बज गया, 8-9 बजे से गर्मी देना स्टार्ट। इतना गर्मी देगा, इतना गर्मी देगा, 3 बजे तक पूरा गर्मी देगा, दोपहर के 3 बजे तक बहुत गर्मी देगा, और 3 से 4 जैसे ही बजेगा पूरा अकबका जाएगा पूरा सिस्टम। और गर्मी के कारण बहुत, जो बीच में जो गर्मी दिया ना 3 बजे तक, उस गर्मी के कारण बहुत ज्यादा एवोपोरेशन हो जाता है, और वही एवोपोरेशन के कारण हम लोग देखेंगे एक टाइप का क्लाउड होता है, कन्वेक्शनल क्लाउड बोलते हैं, कन्वेक्शनल क्लाउड क्लाउड आ जाता है सर। और वो कन्वेक्शनल क्लाउड बारिश करने लगता है शाम के वक्त, मतलब 4-5 बजे से वहां पे बारिश स्टार्ट हो जाता है, और खतरनाक वाला झमाझम बारिश होता है सर। सर खतरनाक वाला क्यूम्लोनिम्बस क्लाउड बनता है सर, क्यूम्लोनिम्बस क्लाउड बनता है, और झमाझम हम लोग समझेंगे कि क्या होता है क्यूम्लोनिम्बस। झमाझम बारिश होता है, झमाझम बारिश होने के बाद वो बारिश तुरंत छूट भी जाता है, मतलब 4 बजे बारिश स्टार्ट हुआ ना तो 6 बजे तक छूट जाएगा, और उसके बाद वातावरण एकदम ठंडा हो जाता है। सर सोचिए, सुबह में इतना गर्मी, दोपहर में, मतलब सुबह में थोड़ा ठंडा, फिर दोपहर में इतना गर्मी, फिर शाम को वर्षा, सभी तो देख लिए हम, सब चीज तो देख लिए। इक्वेटर में ऐसा ही रहता है सिस्टम पूरा, मतलब वहां पे डेली रेनफॉल हो रहा है, डेली रेनफॉल हो रहा है, मतलब डेली जो पॉल्यूटेंट्स हैं आसमान में, जितने भी डेली पॉल्यूटेंट्स हैं, वो सब पॉल्यूटेंट्स आसमान से नीचे आ जा रहे हैं। मतलब आसमान, एयर जो है, स्काई जो है, वो क्या पॉल्यूशन दिखेगा आपको वहां पे? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि डेली पॉल्यूटेंट्स नीचे आ जा रहे हैं, मतलब आपको इक्वेटर में पॉल्यूशन फ्री एयर मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेनफॉल ज्यादा हो रहा है वहां पे। मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या, मतलब आप सोचिए ना, रेनफॉल से क्या 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 चीजें हो सकता है, कभी मेंस वगैरह आप लोग लिख रहे हैं, तो रेनफॉल का ये वाला पॉइंट भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि यार रेनफॉल ज्यादा होने से क्या होगा, एक फायदा क्या हो उसका, कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, पॉल्यूशन फ्री आपको एयर मिलेगा, पॉल्यूशन फ्री आपको आपको हवा मिलेगा। समझ में आया? आप लोगों ने कभी सुना है, 3 सिटी का नाम मैं ले रहा हूं, आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, एक सिटी का नाम है दिल्ली, एक सिटी का नाम है बैंगलोर, चलो बैंगलोर हटाओ, एक सिटी का नाम है मुंबई, मुंबई, एक सिटी का नाम है कोलकाता। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे ये तीनों मेट्रो सिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है, मेट्रो सिटी है सर, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। कोई ऐसा है क्या, कोई भी इनमें से कोई भी सिटी है क्या जो अंडर डेवलप्ड है? नहीं सर, तीनों बहुत डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तीनों जगह पॉल्यूशन, सॉरी, तीनों जगह पॉपुलेशन सेम है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या ऑलमोस्ट तीनों जगह सेम है सर, बहुत मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन है तीनों जगह पूरे देश में, ठीक है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। इसके अलावा सर बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड के समस्याएं हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग ज्यादातर कहाँ सुनते हैं कि सर इन तीनों जगह में पॉल्यूशन, प्रदूषण सबसे ज्यादा कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में से आप लोग को कहाँ सुनने को मिलता है कि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है? दिल्ली में सुनने को मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब सोचने वाली बात है ना कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तीनों एक मेट्रो प्लेस है, मेट्रो सिटी है, इसके अलावा तीनों डेवलप्ड है, तीनों जगह सेम, मतलब तीनों जगह कारखाना होगा, तीनों जगह आपको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन है, तीनों जगह जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तीनों जगह बहुत ज्यादा आपका पॉल्यूशन हो रहा होगा, फिर भी सर दिल्ली में ही ज्यादा पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? हम लोग को दिखता है कि दिल्ली में ही ज्यादा पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, तो सुनिएगा। मुंबई कौन से सी के बगल में है? अरब सी, अरेबियन सी, ठीक है सर। कोलकाता कौन से सी के बगल में है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल,
मतलब वेस्ट बंगाल वगैरह किसके बगल में, वे ऑफ बंगाल। सर देखिए यहाँ पे अरेबियन सी है, मतलब वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, पानी का स्रोत बहुत ज्यादा है, इसीलिए एवोपोरेशन ज्यादा हो रहा है। एवोपोरेशन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या सर, वाटर में ह्यूमिडिटी, वाटर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, वाटर में एयर बहुत ज्यादा है, वाटर में आपका एवोपोरेशन वाटर वेपर बहुत ज्यादा है एयर में। और सर यही वाटर वेपर जब ऊपर चल जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में वाटर वेपर जब ऊपर चल जाता है तो क्या बनाने लगता है, क्लाउड्स बनाने लगता है। और सर क्लाउड्स जब बनाने लगता है तो झमाझम बारिश कर देता है, कहाँ पे, मुंबई में। सेम बे ऑफ बंगाल में भी, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है सर, पानी ही वाष्पीकरण कर रहा है और वाटर वेपर को ऊपर भेज रहा है, और वाटर वेपर जैसे ही ऊपर जाता है तो सर क्लाउड्स बन जाता है और वर्षा होने लगती है कोलकाता में। सर मुंबई का जितना भी पॉल्यूटेंट था, मुंबई का जितना भी पॉल्यूशन था, वो इस वर्षा के कारण नीचे आ जा रहा है और स्काई जो है, एयर जो है, ये पॉल्यूशन फ्री हो जा रहा है। लेकिन और सेम चीज आपको कोलकाता में भी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो मेजर सिटी है ना, बहुत बड़े समुद्र के बगल में है सर, और समुद्र के में सर ऑब्वियस सी बात है एवोपोरेशन होगा तो क्या होगा, क्लाउड्स इजिली बन पाएगा, ठीक है। लेकिन क्या दिल्ली में कोई ऐसा सिस्टम दिखता है आपको, दिल्ली के अगल बगल कोई भी बड़ा पानी का स्रोत है क्या, नहीं है, वहां पे कोई सी वगैरह नहीं है सर, इसीलिए एवोपोरेशन नहीं हो पाता है, वाष्पीकरण इतना नहीं हो पाता है, क्लाउड्स इतना नहीं बन पाता है, और यहाँ पे इतना वर्षा नहीं होता है, यहाँ पे इतना रेनफॉल नहीं हो पाता है जितना मुंबई और कोलकाता में हो रहा है, उतना रेनफॉल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, उतना रेनफॉल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और सर जब रेनफॉल कम हो रहा है, मतलब ये जो एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर में जो पॉल्यूशन है, एयर में जो प्रदूषण है, वो सर एयर में ही रह जा रहा है, वो नीचे आ ही नहीं पा रहा है, तो आपको क्या पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, नहीं, पूरा पॉल्यूशन दिख जाएगा। मतलब देख रहे हैं, अगर भारत के रिस्पेक्ट में भी पूछा जाए कि रेनफॉल कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत चीजें हैं, स्टबल बर्निंग वगैरह, वो सब अलग बात है, ठीक है। अभी देखिए ना, अभी ठंडा का दिन आ गया ना, गैस चैम्बर बन जाएगा सर, दिल्ली गैस चैम्बर बन जाएगा, वहां के लोगों मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया कि रेनफॉल कैसे अफेक्ट कर रहा है हर चीज को। जी समझ में आया सभी को कि रेनफॉल से कैसे पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन वगैरह, मतलब मैं बता रहा हूँ, मेजर लोगों को ये सब चीजें पते नहीं होती, ठीक है, तो आप देखते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। कितने टाइप के क्लाउड बनते हैं दुनिया में, इसके मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिएगा, एक फोटो लाना पड़ेगा मुझे। चलिए तो ये है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़ने वाले हम लोग। अभी आप लोग कोई भी चीज पे जो भी लिखा हुआ है ना, किसी चीज को देखना नहीं है, किसी चीज को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ क्लाउड्स कितने टाइप्स के होते हैं। सर क्लाउड्स जो होता है ना, ये 3 टाइप का होता है, क्या, लोअर क्लाउड्स। लोअर क्लाउड मतलब वैसा क्लाउड जो आपको बहुत नीचे दिखे, जैसे कभी आप लोग जाते हैं ना घर के बाहर, जाइएगा छत के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि ये जो क्लाउड है ना, ये बहुत नीचे दिख रहा है, ये बहुत नीचे फील हो रहा है मुझे, वो क्या है सर, लोअर क्लाउड। मतलब वैसे क्लाउड्स जो कि आपको 2 किलोमीटर तक, अप टू टू किलोमीटर, 2 किलोमीटर के अंदर अंदर दिख रहे हैं, मतलब ऊपर देख रहे हैं तो आपको फील हो रहा है कि ये क्लाउड जो है बहुत नीचे है, क्लाउड जो है बहुत नीचे है, लोअर क्लाउड, ठीक है, लोअर क्लाउड मतलब 2 किलोमीटर के अंदर अंदर वो बन जा रहा है। इसके अलावा है मिडिल क्लाउड, दूसरा क्लाउड क्या है सर, मिडिल क्लाउड मतलब ये ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, बीच बीच में। सर ये कितने किलोमीटर तक बनता है, 2 से 6 किलोमीटर के बीच में, मतलब अगर आप ऊपर देखिएगा तो 2 से 6 किलोमीटर के बीच में आपको जो क्लाउड देखने को मिल रहा है ना, वो क्लाउड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल क्लाउड। और सर जो हायर क्लाउड का क्या मतलब होता है, वैसे क्लाउड जो कि 6 से ज्यादा, मतलब 6 से 12 किलोमीटर तक आपको फील हो रहा है कि आप कभी जाइएगा छत में, दिखेगा कि कुछ क्लाउड्स दिखते हैं ना कि एकदम दूर दिख रहा है, लग रहा है कि बहुत दूर है, वैसे क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, हायर क्लाउड्स, ठीक है। सर क्लाउड 3 टाइप के, लोअर क्लाउड, मिडिल क्लाउड्स, हायर क्लाउड, लोअर क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, हायर क्लाउड्स,
ठीक है, लोअर मिडिल हायर, ठीक है, 2 किलोमीटर, 2 से 6 किलोमीटर, 6 से 12 किलोमीटर। अब सुनिएगा ध्यान से, ज्योग्राफी के भाषा में मतलब हम लोग जब पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग, जो हायर क्लाउड्स है, सॉरी लोअर क्लाउड्स है ना, जो लोअर क्लाउड्स है ना, इसी क्लाउड को क्या बोलने लगते हैं, स्ट्रेटो। स्ट्रेटो मतलब, स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है, बहुत नीचे। अभी के लिए याद रखिएगा, स्ट्रेटो का मतलब सर बहुत नीचे, स्ट्रेटो मतलब लो, स्ट्रेटो मतलब लो, मतलब ये जो लोअर क्लाउड्स हैं इसको पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो। स्ट्रेटो ये जो मिडिल क्लाउड्स है सर, इसको क्या बोलते हैं लोग, अल्टो। ऑल्टो नहीं, अल्टो, ऑल्टो नहीं गाड़ी नहीं, अल्टो, अल्टो। और ये जो हायर क्लाउड्स है सर, इसको क्या बोलते हैं लोग, इसको बोलते हैं सिरस, SCIRRUS, सिरस, 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 ठीक है, सिरस। मतलब तीन क्लाउड्स हमने पढ़ा, तीन टाइप के क्लाउड्स, लोअर क्लाउड, मिडिल क्लाउड, हायर क्लाउड। पढ़े लिखे लोग लोअर क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो, मिडिल क्लाउड्स को, क्लाउड को क्या बोलते हैं, अल्टो, हायर क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, सिरस। तीन बारी बोलिए याद हो जाएगा, लोअर क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो, मिडिल को क्या बोलते हैं, अल्टो, हायर क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, सिरस। स्ट्रेटो अल्टो सिरस, स्ट्रेटो अल्टो सिरस, स्ट्रेटो मतलब लोअर, मिडिल मतलब मिडिल का अल्टो, हायर का सिरस। स्ट्रेटो अल्टो सिरस, स्ट्रेटो अल्टो सिरस, स्ट्रेटो अल्टो सिरस, लोअर क्लाउड, मिडिल क्लाउड, हायर क्लाउड, तीन को क्लाउड बता दिया मैंने। सुनिएगा ध्यान से, ये तीन वर्ड्स याद करवाया मैंने, याद रखिएगा, स्ट्रेटो। चलिए बताइएगा आप लोग मुझे, अल्टो मतलब क्या, अल्टो मतलब क्या, अल्टो मतलब क्या, अल्टो मतलब क्या, हाँ बाकी दो लोग, सिरस मतलब क्या, सिरस मतलब, सिरस मतलब, सिरस मतलब, स्ट्रेटो मतलब, स्ट्रेटो मतलब, स्ट्रेटो मतलब, स्ट्रेटो मतलब सर लोअर, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, स्ट्रेटो वर्ड से ही देखिए, ये जो स्ट्रेटो वर्ड है ना, इसी वर्ड को कभी कभी हम लोग क्या बोलने लगते हैं, स्ट्रेटस, स्ट्रेटस, स्ट्रेटस। अच्छा कभी हमने पढ़ा स्ट्रेटो कोन, याद आ रहा है किसी को, स्ट्रेटो कोन, वो जो स्ट्रेटो कोन था कैसा था सर, लावा फिर सिंडर, सॉरी लावा फिर टेफरा, या फिर सिंडर जो भी बोले, लावा टेफरा सिंडर फिर लावा, वैसे लेयर वाइज दिख रहा होगा आपको, लेयर दिख रहा होगा, ठीक है, लेयर फील हो रहा होगा, मतलब सर एक लेयर दूसरा लेयर, एक लेयर दूसरा लेयर, एक लेयर दूसरा लेयर। सर स्ट्रेटो जो होता है ना, स्टेटस का मतलब जो होता है ना, आपको लेयर्ड लेयर क्लाउड्स मिलेगा, मतलब क्लाउड्स जो है ना वो एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में दिखेगा। देखिए कैसा ये दिख रहे हैं आप, कैसा दिख रहा है, एक लेयर, देखिए ये एक लेयर क्लाउड का, ये एक दूसरा लेयर क्लाउड का, ये एक तीसरा लेयर क्लाउड्स का। आप लोग को अभी दिखता होगा सर, आप लोग कभी गौर कीजिएगा छत पे जाके, कि ये जो क्लाउड दिख रहा है आपको, ये जो क्लाउड दिख रहा है आपको, लेयर्स में दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, एक लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर। सर वैसे क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटस, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटस। बोलिए फील हो रहा है, स्ट्रेटस जी, फील हो रहा है, स्ट्रेटस मतलब कभी भी स्ट्रेटस वर्ड सुनेंगे तो क्या याद आना चाहिए, लेयर याद आना चाहिए, लेयर मतलब क्लाउड जो है वो लेयर, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया, ये चौथा लेयर हो गया, स्ट्रेटस लेयर्स में। मतलब इस क्लाउड को क्या नाम बोलेंगे हम लोग, ये क्या है, स्ट्रेटस है, स्ट्रेटस, इस क्लाउड का नाम क्या है, स्ट्रेटस है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से सर, अगर चलो अल्टो का मतलब सर, अल्टो का मतलब मिडिल, मिडिल, ठीक है, अल्टो का मतलब मिडिल। एक और वर्ड याद रखिएगा, क्यूमुलस, क्यूमुलस, सी यू एम यू एल यू एस, क्यूमुलस, सी यू एम यू एल यू एस, क्यूमुलस। सर क्यूमुलस का मतलब क्या होता है, क्यूमुलस का मतलब होता है, आप लोग देखिए कॉटन को,
कॉटन को देखें कैसा होता है सर, ऐसा ऐसा आपको कॉटन दिखता है, कॉटन आपको ऐसा ऐसा फील होता है, ऐसा ऐसा आपको कॉटन दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? कॉटन, कॉटन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे दिखता है सर कॉटन, कभी देखा है आप लोगों ने, कभी कॉटन यूज किया है? कॉटन मतलब कपड़ा नहीं, वो जो हम लोग निकालते हैं ना, वुल बोल सकते हैं, वुल, वुल वगैरह मतलब जो है ना आपको, वुल कॉटन जो हम लोग निकालते हैं पेड़ से, ठीक है, जो कॉटन निकालते हैं ना पेड़ से, तब देखिएगा ऐसा ऐसा फील होगा आपको, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब वुल भी जो होता है ना, वुल, वुल भी ऐसे ही दिखता है। अब देखिएगा ये देख रहे हैं आप, आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है, दिख रही है ये जो क्लाउड दिख रहा है, ये कॉटन जैसा दिख रहा है आपको? बोलिए, इसी क्लाउड को क्या बोलने लगते हैं पढ़े लिखे लोग? क्यूमुलस, क्यूमुलस क्या बोलने लगते हैं? क्यूमुलस, क्यूमुलस, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा? एक चीज पढ़ा जिसका नाम था स्ट्रेटो। स्ट्रेटो किससे रिलेटेड है? हाई क्लाउड, लोअर क्लाउड, मिडिल क्लाउड, किससे रिलेटेड है स्ट्रेटो? सर लोअर क्लाउड। इसके अलावा हमने पढ़ा अल्टो, अल्टो, अल्टो हाई से है, लोअर से है, मिडिल से है, क्या से है? अल्टो सर मिडिल। हायर क्लाउड्स, हायर क्लाउड्स का क्या नाम था कोई बताएगा? हायर क्लाउड्स को क्या नाम बोलते थे हम लोग? एक टर्म पढ़ा था हायर क्लाउड्स के लिए, सिर्रस, ठीक है, सिर्रस। कॉटन को कपास बोलते हैं शायद, जहां तक मुझे याद है, ठीक है, सिर्रस, ठीक है। तो एक और हमने वर्ड पढ़ा सर, स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? स्टेटस का मतलब क्या समझते हैं? स्टेटस का मतलब क्या समझते हैं सर? लेयर। स्टेट का मतलब क्या समझते हैं? क्लाउड्स जो है वो लेयर के फॉर्म में। बोलो भैया, समझ में आ रहा है? स्टेटस का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? क्लाउड्स जो है वो लेयर के फॉर्म में। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि क्यूमुलस, क्यूमुलस कैसे दिखेगा आपको? क्यूमुलस कैसा दिखेगा सर? कपासधारी, कपास का तरह, कॉटन का तरह, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, समझ में आया सर? देखो कॉटन की तरह दिखेगा, कपास का तरह दिखेगा, ठीक है। तो हमने ये सब चीजें पढ़ा, अब सुनिएगा ध्यान सर, जब भी आपको स्टेटस दिखे तो आपको कौन सा क्लाउड का फीलिंग आना चाहिए? लो क्लाउड, हाई क्लाउड या फिर मिडिल क्लाउड? आपको फील आना चाहिए लो क्लाउड। क्यों? क्यों सर? स्टेटो से आया था स्टेटस, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी आ गया क्यूमुलस, क्यूमुलस, तो आपको क्या फीलिंग आना चाहिए? लोअर क्लाउड, हायर क्लाउड, मिडिल क्लाउड? सर आपको लोअर क्लाउड का याद आना चाहिए, लोअर क्लाउड का याद आना चाहिए। क्यों? क्यूमुलस देखिए, क्यूमुलस के आगे क्या कोई प्रीफिक्स लिखा हुआ है? अगर सर हायर क्लाउड्स का बात करता ना, तो हायर क्लाउड्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सिर्रस। तो अगर हायर क्लाउड्स का बात होता तो हायर क्लाउड में क्या बोलने लगते हैं? क्यूमुलो, क्यूमुलो सिर्रस। क्या होता है समझेंगे हम लोग, देखिएगा, चलिए समझते हैं चीजों को। देखिए स्ट्रेटो का मतलब समझ में आता है सर, स्टेटस का मतलब समझ में आता है कि लोअर क्लाउड। अब एग्जाम में कभी धोखा में पूछ दे कि अल्टो स्टेटस क्या होता है, आप लोग बस मतलब कॉमन सेंस से बताइएगा अल्टो स्टेटस क्या होता है सर? अल्टो मतलब मिडिल, अल्टो मतलब मिडिल, और स्टेटस मतलब वैसा, वैसा क्लाउड जो कि लेयर में है। मतलब अल्टो स्टेटस मतलब क्या होगा? वैसा क्लाउड जो कि मिडिल, ज्यादा ना ऊपर ना ज्यादा नीचे, जो मिडिल हाइट में है और लेयर के फॉर्म में है। मतलब देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस क्लाउड के बारे में बात कर रहा है, इस क्लाउड के बारे में बात कर रहा है। ऐसा क्लाउड जो कि अल्टो, अल्टो मतलब सर मिडिल हाइट, हाइट, हाइट उसका मिडिल है, मिडिल, ज्यादा दूरी में नहीं है सर, 2 से 6 किलोमीटर की दूरी में है मिडिल। और स्टेटस मतलब लेयर, लेयर, समझ में आया सभी को? अल्टो स्टेटस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अल्टो स्टेटस, एग्जाम में पूछेगा अल्टो स्टेटस जो है ये आपको कपास के जैसा दिखता है, ट्रू या फॉल्स?
कॉटन की तरह दिखता है, सर झूठ बोल रहा है, ठीक है गलत बोल रहा है। देखो टू लगा देंगे आंसर हम, अल्टो स्टेटस को हम टू लगा देंगे, वो कॉटन की तरह दिखेगा। चीजें सब अब देखो भैया, एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि सिरो सिरो स्टेटस क्लाउज क्या होता है सर, सिरो स्टेटस क्लाउड, तो सिरो चलो ठीक है, सिरो मतलब नहीं समझ में आ रहा, स्टेटस मतलब सर लेयर में तो पक्का दिख रहा होगा, बोलो इतना समझ में आ रहा है, स्टेटस मतलब लेयर में तो समझ में आ रहा है सर, पक्का लेयर में समझ में आ रहा है सर। सिरो सिरो के लिए भी कुछ पढ़ा था हमने, याद है एक वर्ड पढ़ा था सिर्रस, सिर्रस जो वर्ड था ये किस क्लाउड को डिनोट कर रहा था सर, हायर क्लाउड्स को, सर सिर्रस वर्ड से ही क्या आया सिरो। और हाँ क्या बोलते हैं हिंदी वाले, ये जो वर्ड्स है ना हिंदी इंग्लिश में फर्क मत करना, क्योंकि इंग्लिश वालों को भी ये नहीं आता, और कभी पूछ देगा ना एग्जाम में हिंदी में, तो हिंदी में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इंग्लिश में बता रहा हूँ कर लो। सिरो स्टेटस मतलब सिरो वर्ड कहां से आया, सिरस वर्ड से, मतलब सिरस मतलब हायर क्लाउड, और स्टेटस मतलब जो क्लाउड लेयर वाइज दिख रहा है आपको, लेयर वाइज मतलब सिरो स्टेटस मतलब वैसा क्लाउड जो कि हायर हाइट पे है, हायर क्लाउड्स है और लेयर वाइज दिख रहा है आपको, एक स्टेटस वाइज दिख रहा है, मतलब सर देखिए ना सिरो स्टेटस हायर क्लाउड्स और आपको लेयर वाइज दिख रहा है, दिख रहा है जी, समझ में आया, समझ में आया। स्टेटस किसको बोलते हैं, अल्टो स्टेटस किसको बोलते हैं, सिरो स्टेटस किसको बोलते हैं, बस फील करना है आपको, आपको तीन चार कीवर्ड्स याद रखना, पहला कीवर्ड स्टेटस, दूसरा कीवर्ड अल्टो, तीसरा कीवर्ड सिरस, चौथा कीवर्ड क्यूमुलस क्या होता है, बस आपको पूरा जीवन चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, समझ में आया सभी को। चलो आप लोग मुझे बताएंगे क्यूमुलस, क्यूमुलस क्लाउड कहाँ दिखेगा, क्यूमुलस क्यूमुलस क्लाउड कहाँ दिखेगा, क्यूमुलस क्लाउड कहाँ दिखेगा, अरे भैया कितने बारी बताऊं, क्यूमुलस हायर में, वेरी गुड सर, क्यूमुलस क्लाउड जो है ये लोअर क्लाउड्स है, लोअर क्लाउड्स है, कैसा दिखता है ये सर, कपास जैसा, कॉटन कपास जैसा, देखो ये है क्यूमुलस क्लाउड सर। इसको हम लोग लोअर क्लाउड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हायर क्लाउड बोलना होता तो इसके आगे प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, बोलो इसके आगे प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, सिरो क्यूमुलस, अगर सिरो क्यूमुलस बोल दे मतलब वो हायर में है कि लोअर में है सर, हायर क्लाउड्स के बारे में बात कर, सिरो क्यूमुलस सर। अगर मिडिल मिडिल क्यूमुलस क्लाउड है जो कि मिडिल में है, अगर ऐसा कुछ बोलना है तो क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टो क्यूमुलस, अल्टो क्यूमुलस, वेरी इजी, ठीक है, मतलब तीन और वर्ड्स क्लियर हो गए, क्यूमुलस मतलब पता ही था वुल जो कि लोअर क्लाउड्स है, अल्टो क्यूमुलस मतलब जो कि मिडिल में है, और क्यूमुलस सिरो क्यूमुलस मतलब हायर क्लाउड्स और क्यूमुलस, ठीक है हायर क्लाउड्स है और कॉटन की तरह दिख रहा है, कपास जैसा दिख रहा है, ठीक है। चलो सर एक ऐसा क्लाउड है, एक ऐसा क्लाउड है जिसका नाम है स्ट्रेटो क्यूमुलस, ये कहां दिखेगा कोई बताएगा, बहुत हार्ड है किसी को समझ नहीं आता, स्ट्रेटो क्यूमुलस सर वैसा वैसा क्लाउड जो कि कपास जैसा दिख रहा है, कॉटन जैसा दिख रहा है और लेयर में दिख रहा है, कॉटन जैसा दिख रहा है और लेयर्स में दिख रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटो क्यूमुलस। और स्ट्रेटो वर्ड से आपको फील हो रहा होगा सर ये कहां पे है, स्ट्रेटो से याद होगा स्टेटस, स्टेटस किसके लिए यूज कर रहे थे, लोअर क्लाउड्स, सी स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस सर। कभी आपको याद है सिरस पढ़ा हमने, सिरस सिरस का मतलब क्या पढ़ा है, हायर क्लाउड, हायर क्लाउड, सिरस का मतलब क्या पढ़ा है, हायर क्लाउड। ये जो सर हायर क्लाउड्स होता है ना सिरस, ये पता है आपको कैसा दिखता है, ये सिरस क्लाउड्स जो होता है ये पता है कैसा दिखता है सर, फेदर पंख जैसा दिखता है, देखिए ना ये पक्षी का पंख कैसा होता है, कभी देखें कभी ऐसा है, ऐसा है, अजीब अजीब टाइप सा होता है, पंख जैसा, पंख
पंख अजीब सा रहता है, ठीक है ना। ये अगर पंख है, ये पक्षी है, ये पक्षी का पंख है, ठीक है, पक्षी का पंख है, पक्षी का पंख है, तो सर पंख जैसा, फेदर, फेदर जैसा दिखना, देखे ना, ये है सिरस क्लाउड। सिरस क्लाउड कैसा दिख रहा है सर? पक्षी का पंख जैसा, पक्षी का पंख जैसा। मतलब सिरस क्लाउड अगर आपसे पूछा एग्जाम में, सिरस क्लाउड हायर क्लाउड है, मिडिल क्लाउड है कि लोअर क्लाउड है? सर हायर क्लाउड है। समझ में आया सभी को? चलिए अब थोड़ा हो जाए। ऐसा क्लाउड जो कि मिडिल में दिख रहा है, और ऐसा क्लाउड जो कि मिडिल में दिख रहा है और कपास जैसा दिख रहा है, कॉटन जैसा दिख रहा है, उस क्लाउड का क्या नाम होगा? सर मिडिल में दिख रहा है और कपास जैसा दिख रहा है, क्या नाम होगा? मिडिल में दिख रहा है और कपास जैसा दिख रहा है, क्या नाम होगा उस क्लाउड का? मिडिल में है और कपास जैसा दिख रहा है, कॉटन जैसा दिख रहा है, मिडिल में है, नहीं नहीं मिडिल में है और कपास जैसा दिख रहा है, मिडिल में है और कपास। हाँ एक जन, क्या मजा लेने आ रहे? क्या हो गया? इंग्लिश है इसीलिए नहीं याद करना। सर आंसर होगा अल्टो क्यूमुलस। क्यों? अल्टो मतलब पहले ही बताया, मिडिल। मैंने क्या बोला था? एक ऐसा क्लाउड जो कि मिडिल हाइट पे है, मिडिल हाइट पे, तो अल्टो मतलब मिडिल, कपास जैसा है। कपास के लिए मैंने क्या बोला? क्यूमुलस, मतलब एक ऐसा क्लाउड जो कि कपास जैसा दिख रहा है और मिडिल हाइट में है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टो क्यूमुलस, ठीक है। चलिए आप लोग मुझे बताएंगे, एक ऐसा क्लाउड जो कि हायर क्लाउड है, हायर क्लाउड है, उसको क्या बोलते हैं? हायर क्लाउड्स को हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं? जो कि फेदर लाइक दिखता है हमको, फेदर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, पंख जैसा बनाता है, फेदर, फेदर जैसा बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभी जस्ट पढ़ा था सिरस, बाकी लोग सोचते रहिए, ठीक है। सिरस, सिरस देखिए अभी पढ़ा था, इसे सिरस अभी पढ़ा था, सिरस। चलिए एक ऐसा क्लाउड के बारे में हमने पढ़ा है जो कि कॉटन जैसा है, कपास जैसा है, और हायर क्लाउड ऊपर पाया जाता, हायर क्लाउड्स में पाया जाता, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हायर क्लाउड्स में पाया जाता है और कपास जैसा, कॉटन जैसा होता है, क्या बोलते हैं उसको? सबसे पहला चीज आपको क्या, सर कपास जैसा दिख रहा है ना, मतलब इसको क्यूमुलस तो पक्का बोलते होंगे, और हायर, हायर क्लाउड्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब सिर्रो, मतलब इस क्लाउड को क्या नाम बोल देंगे? सिर्रो क्यूमुलस, सिर्रो क्यूमुलस। सर एक एक ऐसा क्लाउड है इसका नाम है स्ट्रेटो क्यूमुलस। ये आपको कहाँ मिलेगा? हाइट कौन सा हाइट पे? लो, मिडिल, हाई, कहाँ मिलेगा आपको स्ट्रेटो क्यूमुलस? स्ट्रेटो क्यूमुलस कहाँ दिखेगा? सर लो में दिखेगा। क्यों? स्ट्रेटो मतलब क्या? लोअर क्लाउड्स, और स्ट्रेटो मतलब क्या? लेयर्स में दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए आई होप ये पूरा सिस्टम समझ में आया होगा कि सिरस क्लाउड जीवन में कभी मिल गया सिरो स्टेटस तो बताइएगा, नहीं अल्टो स्टेटस। चलिए आप लोग मुझे बताइएगा, एक क्लाउड का नाम है जिसका नाम है अल्टो स्टेटस, ये आपको कहाँ दिखेगा? हायर, मिडिल, कहाँ दिखेगा? ये आपको कॉटन जैसा दिखेगा कि कैसा दिखेगा? ये अल्टो स्टेटस बोला है मैंने, ये कॉटन जैसा दिखेगा कि कैसा दिखेगा? सर लेयर जैसा दिखेगा, लेयर जैसा, ठीक है, लेयर जैसा। आई होप यार, आई होप ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब एक एक और कीवर्ड है, इस कीवर्ड को याद रखिएगा, निम्बो। सर निम्बू नहीं, निम्बो, निम्बो, निम्बो कभी भी सुनिएगा तो याद कीजिएगा बारिश, बारिश, निम्बो से याद रखिएगा बारिश। निम्बो मतलब बारिश, बारिश मतलब, निम्बो मतलब वैसा रेन, वैसा क्लाउड जो बारिश करवाता है, सिंपल सी बात है। निम्बो, निम्बो मतलब रेनफॉल, निम्बो मतलब रेनफॉल, मतलब अगर आपसे जीवन में कोई पूछ दे निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, मतलब ये क्लाउड बारिश करेगा कि नहीं करेगा, सबसे पहला चीज निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बारिश करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि निम्बो लग गया, निम्बो, निम्बो से याद रखिएगा। देखिए क्या है ये?
निम्बो स्टेटस क्लाउड, मतलब जीवन में कभी पूछ ले कि निम्बो स्टेटस क्लाउड बारिश करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों? निम्बो माने, निम्बो माने रेनफॉल। और ये इसका हाइट क्या होगा, हाइयर मिडिल लोअर, क्या होगा हाइट? सर लोअर होगा। क्यों? स्ट्रेटस, स्ट्रेटस मतलब लोअर क्लाउड। और ये आपको क्या कपास जैसा दिखेगा कि लेयर जैसा दिखेगा? तो लेयर जैसा दिखेगा, देखिए लेयर जैसा दिख रहा है, मतलब निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड आपको हायर, हायर क्लाउड है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। एक और क्लाउड है, आप लोग मुझे बताइए कि ये बारिश करेगा कि नहीं करेगा। क्लाउड का नाम है, रुक जाइए भैया, मैंने लिखा ही नहीं है। एक और क्लाउड का नाम है, क्लाउड का नाम क्या है? क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस। क्या ये, पता नहीं ये क्या है, क्लाउड का है क्या, कहाँ दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, बाढ़ में जाए, ये क्लाउड बारिश करेगा कि नहीं करेगा? क्यूमुलोनिम्बस सर करेगा। क्यों? निम्बो, देखिए ना निम्बो आ गया, निम्बो से ही निम्बस, निम्बो से ही क्या आ गया, निम्बस, निम्बस निम्बो, बात बराबर है, निम्बो निम्बस। भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ये क्या है, बट बारिश तो करेगा। क्यों? क्योंकि निम्बस लग गया, ठीक है। इसके अलावा सर ये क्यूमुलो बोल रहा है, क्यूमुलो मतलब क्यूमुलस, नहीं याद आ रहा, क्यूमुलो कहीं पढ़े, क्यूमुलस पढ़े हम लोग, क्यूमुलस मतलब कपास जैसा, कपास वुल ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। सर देखिए ध्यान से, ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है ना, ये आपको ऐसा दिखता है, जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है ना। सबसे पहले कभी भी जीवन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्यूमुलोनिम्बस बारिश करवाएगा नहीं करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा। और क्यूमुलोनिम्बस कब बनता है, निम्बो स्टेटस कब बनता है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं है, सब पढ़ेंगे, सब कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बारिश करेगा कि नहीं करेगा, ये तो फिक्स है। सर ये कैसा हाइट में पाया जाएगा, आप देख रहे हैं, ये सबसे ऊंचा, मतलब माना जाता है कि सबसे ऊंचा हाइट पे कोई क्लाउड पाया जाता है ना, वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही पाया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा ऊंचा क्लाउड कोई होता है तो वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही रहता है। इसके अलावा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होता है ना, अगर आपको लिखना है तो अभी लिख लीजिए, बाद में सिद्ध भी कर दूंगा। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है ना, ये बहुत हेवी रेनफॉल करता है, बहुत हेवी रेनफॉल करता है, मतलब पूरा एकदम खतरनाक वाला जब रेनफॉल देखे ना, एकदम बहुत स्पीड से पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, वो होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के चलते, ठीक है। आपने कभी देखा है काला काला बादल, सब काले मेघा पानी दे, वो जो काला बादल होता है ना, मैक्सिमम काला बादल जो एकदम काला होता है, तो ये क्यूमुलोनिम्बस ही होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही होता है। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होता है, ये हेवी रेनफॉल करता है, ये ज्यादा देर के लिए नहीं होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कभी कभी देखा होंगे बारिश जो होता है ना, कभी कभी बारिश होता है कि दो दिन से बारिश हो रहा है लेकिन फिर भी बाढ़ नहीं आ रहा है। कभी आप लोग देखे होंगे दो दिन से बारिश हो रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आधा घंटा बारिश हुआ और पूरे सिटी में बाढ़ जैसा कंडीशन आ गया। क्यों? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के कारण। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल करता है, कम समय के लिए करता है लेकिन बहुत ज्यादा करता है। इसके अलावा ये बहुत शॉर्ट एरिया तक रहता है, मतलब ज्यादा एरिया में नहीं फैला रहता है, बहुत शॉर्ट एरिया, मतलब एक सिटी में हो गया तो हो गया, दूसरे सिटी में बारिश नहीं हो रहा होगा, ठीक है, बहुत शॉर्ट सिटी में, मतलब एग्जाम में पूछ देगा। और घबराना नहीं है, ये हर चीज हम लोग पढ़ेंगे बाद में भी, अभी याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होता है, ये शॉर्ट एरिया से है, हैवी रेनफॉल और शॉर्ट ड्यूरेशन। और मैंने बताया कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है सर, ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट क्लाउड है, मतलब इसका जो हाइट होता है ना, सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा, ठीक है। इसके बाद सर ये एनविल जैसा होता है, एनविल का मतलब क्या होता है? अच्छा, कभी आपने देखा है जूता पॉलिश करने वाले का, वो साथ में ऐसे लेके घूमता है, ठीक है, या फिर हाँ जी ऐसा देखे आप लोग, ऐसा एक चीज वो लेके घूमता है, ये देखा आपने, दिखा रहा हूँ,
ऐसा देखा आपने जो क्या बोलते हैं लोहार वगैरह जो होता है वो लोग भी यूज करता है एनविल को, ब्लैक स्मिथ, ठीक है, एनविल देखा, ये चीज देखा होगा जीवन में कभी, इसी को क्या बोलते हैं एनविल बोलता है, एनविल, एनविल, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को क्या बोलते हैं एनविल, ठीक है, ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं एनविल। और आप गौर से देखें तो ये भी आपको एनविल शेप का दिख रहा होगा, देखिए ये भी आपको एनविल, देखिए एनविल को पहले देख लीजिए अच्छे से, देख रहे हैं ये आपको ऐसे करके आ रहा है फिर ऐसे करके झुक जा रहा है, ये भी देखिए ना, ये भी देखिए, ये ऐसे करके आ रहा है, ये ऐसे करके आ रहा है और ये भी ऐसे करके झुक जा रहा है, ठीक है, ये भी एनविल शेप का है। एग्जाम में पूछेगा एनविल शेप का कौन सा क्लाउड होता है, सर क्यूमुलोनिम्बस होता है, ठीक है। चलिए सर निम्बो स्ट्रेटस का थोड़ा बता दीजिए। तो देखो भैया निम्बो स्ट्रेटस जो होता है ना ये हेवी रेनफॉल नहीं करता है, ठीक है, ये हेवी रेनफॉल नहीं करता है, मतलब थोड़ा मोटा रेनफॉल करेगा, ठीक है, लो रेनफॉल, लो रेनफॉल, पानी जैसे होता है ना ऊपर से गिर रहा है टिप 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 टिप, बस गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है, उतना हेवी नहीं हो रहा, भींग के भी जा सकते हैं, वैसा वाला बारिश हो रहा है। सर कितना देर के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब बहुत ज्यादा देर के लिए होता है। कभी कभी देखते हैं कि एक कहावत है कि रात का बारिश छूटता नहीं है, क्यों नहीं छूटता है, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, और रात को में जब भी बारिश होता है ना आप देखिएगा टिप 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 करके बारिश होता रहता है, लेकिन रात भर बारिश होता है। सर कौन सा वर्षा वहां पे, कौन सा जो बादल है वहां पे वर्षा करवा रहा है, निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है, ज्यादा देर के लिए वर्षा होता है। इसके अलावा सर हमने देखा था क्यूमुलोनिम्बस जो है ना ये छोटा जगह तक ही स्थित होता है, लेकिन ये वाइडर वाइडर एरिया मतलब बहुत बड़ा जगह तक, मतलब सिर्फ एक सिटी नहीं सर बहुत सारे मल्टीपल सिटीज में, कभी कभी आप देखते हैं कि अगर आपका चाचा का घर आपके घर से 50 किलोमीटर दूर है ना, तो जिस वक्त आपके घर में बारिश होती है वहां पे भी बारिश हो रही होगी, वहां आपके चाचा को फोन कीजिएगा तो कभी बोलेंगे कि हाँ हमारे घर में बारिश हो रहा है टिप 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 टिप, कौन वो टिप 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 कौन करवा रहा है, निम्बो स्टेटस करवा रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो निम्बो स्टेटस क्लाउड रहता है ये वाइडर रेंज तक वाइडर एरिया तक फैला हुआ है। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्लाउड का नाम बताइए जो कि बारिश करवा रहा है और बहुत हेवी रेनफॉल करवा रहा है, क्या नाम बोलिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा रेनफॉल करवा रहा है, काला मेघा पानी दे, क्या नाम था उस क्लाउड का, बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हो रहा है, हेवी भैया क्या बोल रहे हैं आप, हेवी रेनफॉल, क्या निम्बो, क्या क्यूमुलोनिम्बस एक ऐसा क्लाउड है जो कि कम रेनफॉल करवा रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है उसमें, लो रेनफॉल हो रहा है, लो रेनफॉल हो रहा है, एक ऐसा क्लाउड है जिसमें लो रेनफॉल हो रहा है, क्या नाम है उस क्लाउड का, निम्बो स्टेटस, एक ऐसा क्लाउड है जो कि एनविल शेप का है, एनविल शेप का है, एनविल शेप का है, उस क्लाउड का क्या नाम है, उस क्लाउड का क्या नाम है, एक ऐसा क्लाउड है जो कि बहुत ज्यादा देर तक वर्षा करवा रहा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्षा करवा रहा है, वैसे क्लाउड को क्या नाम बोलते हैं। आज के बाद कभी वर्षा होगा ना ज्यादा देर तक होगा एकदम बोल देना सबको, करे ये तो निम्बो स्टेटस क्लाउड वर्षा करवा रहा है, हवा बनाने के लिए बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, कभी भी रास्ता में जा रहे हैं अपने दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए, अरे ये तो अल्टो स्टेटस है, अरे ये तो क्यूमलो निम्बस क्लाउड बन रहा है, अरे वो तो सिरस क्लाउड बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा व्यवस्था खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया क्लाउड्स कैसे बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स कैसा होता है, और ये नहीं कि आप कभी जाइएगा छत में आपको दिखेगा ऐसा, और मैं बता रहा हूँ ज्योग्राफी रिवाइज करने का सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने इन्वायरमेंट को देखें, अगल बगल को देखें, ज्योग्राफी रिवाइज होगा, जब भी छत जाए जब भी बाहर जाए, मतलब हमेशा जब भी मतलब चलते चलते मत देखना, खड़ा होकर देख रहे हैं, अच्छा ये है स्ट्रेटस, वो है क्यूमलो, वो है अल्टो, वो है सिर्रस, ठीक है, आपको खुद दिखेगा, ठीक है, आई होप पूरा सिस्टम समझ में आया होगा, हम लोग कल और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, बाय।
इसे कोई डाउट है तो